एंड वेलकम टू माय शो टेस्ट ऑफ द ओशन और मैं आपका शेफ बासिम आखुन। आज का एपिसोड बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और थोड़ा सा मैं सन बेदिंग कर रहा था, अपने आप को थोड़ा सा मैं और ज़्यादा खूबसूरत कर रहा था और मैं सोचा क्यों ना आज एक मज़ेदार सी रेसिपी की जाए। यूजली आपने सुना होगा लंदन के अंदर या इंग्लैंड के अंदर फ़िश एंड चिप्स होता है, मगर अगर आप थोड़े और उनके शहर घूमें तो वहाँ फ़िश एंड चिप्स के साथ मुख्तलिफ़ और किस्म की चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। आज की रेसिपी के लिए हम बहुत ही एक मज़ेदार सी चीज़ करने वाले हैं, उसके अंदर हम क्या करेंगे, आज हम बेसिकली फ़िश साथ साथ श्रिम्प्स और पोटैटोज़ देंगे। पोटैटोज़ का जो आपका तरीका होगा वो बहुत ही डिफरेंट होगा, हम फ्रेंच फ्राइज़ नहीं बना रहे हैं, हम बहुत ही मज़ेदार से एक मसालेदार पोटैटोज़ करेंगे जिसका टेक्सचर और जिसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का होगा। आज की रेसिपी बहुत आसान है, आज के क्या इन्ग्रीडियंट्स हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने सुरमई लेनी है फ़िश के अंदर, लेकिन आज हम बोनलेस फ़िश नहीं यूज़ करेंगे, आज हम ट्रेडिशनल स्टाइल में इस चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे। आज हमने फ़िश के पीसेस कटवाए हैं विथ बोन, मगर जो बोन है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर बोन है, बाकी सारा कुछ आप देख सकते हैं कम्प्लीटली बोनलेस है। सो आप जिसको कुक करेंगे आप यूँ हाथ लगाएंगे और आपका मीट अलग हो जाएगा। साथ साथ हमने श्रिम्प्स इस्तेमाल करने हैं, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ लार्ज साइज़ के। आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आपने ख़रीदना है या तो डायरेक्ट मछेरे से ख़रीदेंगे या अगर आपने किसी दुकान से लेना है तो आप इसको कहना है डी वेन कर दें। वेन क्या होता है, अगर ये श्रिम्प का पूरा शेप है, यहाँ इसकी एक वेन होती है, उसको आप निकलवा के उसको प्रॉपरली क्लीन करवा के आपने यूज़ करना है। आज के इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल है, सबसे पहले मैं आपको क्विक रन डाउन दूंगा इंग्रेडिएंट्स का ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आपने इस्तेमाल करना है इसके अंदर पोटैटोज़ तकरीबन 1 से 1.5 किलो, देन यू नीड सम श्रिम्प्स और फिर आपने लेने हैं फ़िश। फ़िश के साथ साथ आपने करना कि आपने जो स्पाइसेस लेने हैं वो आपने लेने हैं सॉल्ट टू टेस्ट, सोडा लेंगे, थोड़ा हम लोग गार्लिक लेंगे, गार्लिक के बाद आपने थोड़ा सा लेमन लेना है, अनियंस लेने हैं, हम लोगों ने पिकल्स भी साथ में इस्तेमाल करने हैं और फिर आपने इस्तेमाल करने रेड चिली फ्लेक्स, कोरिएंडर पाउडर, यू नीड पेपरिका, पेपरिका के साथ साथ आप लेंगे थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, सम सॉल्ट, सम चिकन पाउडर एंड सम रेड चिली। अब जल्दी जल्दी हम इस रेसिपी को प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले फ़िश आपने ऐसे काटनी है, ठीक है, प्रॉन्स का साइज़ कम से कम इतना होना चाहिए। अगर आप देखें इफ़ यू पुल द प्रॉन, वैसे हम करूँगा नहीं ख़राब हो जाएगा, तो कम से कम प्रॉन इतना लंबा है, ठीक है, ये साइज़ होना चाहिए। उसकी वजह अगर आप छोटा रखेंगे ना प्रॉन तो बहुत ज़्यादा वो बेसिकली कुक होके बिल्कुल स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। अब आपने करना क्या, सबसे पहले आपने इसका बनाना है बैटर। हम फ्लावर लेंगे, फ्लावर हमने लेना है ऑल पर्पज़, जो मेरे इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं उनको पता है ऑल पर्पज़ फ्लावर का क्या मतलब है, जो मेरे यहाँ डोमेस्टिक व्यूअर्स हैं उनको मैं ये बताता चलूँ कि इसका मतलब है मैदा आटा, ठीक है। सबसे पहले हमने मैदा आटा ले लिया या ऑल पर्पज़ फ्लावर ले लिया, साथ साथ मैं इसमें लूँगा बेकिंग सोडा। आप कह रहे हैं यार ये बंदा बेकिंग सोडा क्यों डाल रहा है, थोड़ा सा आप इसको हाथ से ही मिक्स करेंगे। बेकिंग सोडा से होता क्या है कि जो आपका बैटर होता है जब वो फ्राई होता है तो वो तेल जज्ब नहीं करता है, मैं आपको एक रेस्टोरेंट की ट्रिक बता रहा हूँ, वैसे बतानी चाहिए या नहीं चाहिए मुझे आप बताएंगे। साथ साथ आपने इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड करना है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, थोड़ा रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे हम इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून, फिर आपने इसके अंदर पेपरिका डालना है 1 टीस्पून और गार्लिक पाउडर डालना है 1 टीस्पून। दोनों डालने के बाद आप थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर लेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून, उसके बाद आप सिर्फ थोड़ा सा लेंगे सॉल्ट टू टेस्ट अराउंड 2 टीस्पून। अच्छा, अब आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले इसके अंदर ऐड करना है ऑयल। हमने दो फ्राइंग पैन से रखे, बिकॉज हम आज दो रेसिपीज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ऑयल ऐड करूँगा फ़िश के लिए। इसको आप भर दें क्योंकि आपने इसको डीप फ्राई करना है, ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा, एक और चीज़, जब भी आप फ्राई करेंगे प्लीज़ रिमेंबर आपने एक साथ बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं ऐड करना, वरना आपका जो खाना है वो हो जाएगा ख़राब। आपने बैच फ्राई करना है। बैच फ्राई का क्या मतलब है, स्टेप बाय स्टेप आप इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने बैटर बनाना था जो कि हमने बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली फोल्ड करूँगा। आप इसको तब तक फोल्ड करेंगे जब तक आपको इसका एक प्रॉपर टेक्सचर नहीं मिल जाता। आप यहाँ देख सकते हैं कि कहीं कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा रेड नज़र आ रहा है, वो रेड बेसिकली पेपरिका और रेड चिली है, इसीलिए आपने इसको तब तक मिक्स करना है जब तक इसके कोई लम्ब्स उसके अंदर ना रहे। चलें, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, हमें फ़िश को क्योर करना है। अब क्योरिंग का क्या मतलब है, चाहूँ तो मैं इसको डायरेक्ट इसमें डाल के इसमें फ्राई कर दूँ, येस, बट आई विल नॉट डू दैट। क्योरिंग बेसिकली मीन्स कि आप इसको किस तरीके से थोड़ा सा कुक कर लेंगे पहले। अब आपको पता है मैरिनेशन इज़ बेसिकली द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कुकिंग, और मैरिनेशन के लिए मसाले नहीं चाहिए। हम इस्तेमाल करेंगे बेक पाउडर का विनेगर, तकरीबन मैं इसमें ऐड करूँगा आधा कप विनेगर। ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगा थोड़ा सा लेमन, इसको हम यहाँ साइड पे कर लेते हैं। मैं अपनी पेरिंग नाइफ़ उठाऊँगा और मैं इसके ऊपर सिर्फ थोड़ा सा
ड्रिजल करूँगा, ठीक है। ड्रिजल करने के बाद अगर आपके पास टाइम है आप इसको एक घंटा छोड़ सकते हैं, इफ़ यू डोंट हैव एन आवर इट्स फाइन, आप इसको 5 मिनट के लिए कम से कम छोड़ दें, ठीक है। थोड़ा सा हम सॉल्ट ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ़ अ टीस्पून। अब हमने इसके अंदर ऐड करना है थोड़ा सा पानी, जितना पानी डालेंगे उतना ही आपने सिरका डालना है, जितना सिरका डालेंगे उतना ही पानी डालना है, आपने चीज़ याद रखनी है। साथ साथ लेट्स पिक अप अ टेबल स्पून एंड लेट्स स्टार्ट मिक्सिंग दिस। जब भी आप विनेगर की बात करते हैं, मैं इसलिए बार बार इस चीज़ पे एम्फसाइज़ करता हूँ, मतलब इस पे मैं ज़्यादा तरजीह देता हूँ, वो ये है कि लोगों को लगता है सिरके का काम सिर्फ चाइनीज़ में है। आपको पता है कि कभी कभी आप लोग खाते हैं लेट्स से अचार, एक होता है अचार आपका तेल वाला और एक अचार आपका होता है सिरके वाला, वो सिरका कहाँ से आता है? वो सिरका इस तरह की ग्लोरियस कंपनी से आता है जो कि आपको एक अच्छे रेट पे एक अच्छे किस्म का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का विनेगर प्रोवाइड करते हैं विथ फैंसी पैकिंग, जो कि अब इनकी नई पैकेजिंग आई है और इसका एक बड़ा ही अपना मज़ा है। एंड आई थिंक मेरी इनसे बड़ी अच्छी दोस्ती होने वाली है बेकपार से, वजह ये है क्योंकि ब्लू इज़ माई फेवरेट कलर एंड इन लोगों ने ब्लू को काफ़ी तरजीह दी है इस दफ़ा अपनी पैकिंग में। एक फ्रेश लुक है, फ्रेश लुक के साथ साथ आप और क्या चाहते हैं अपने खाने के लिए? साथ साथ मैं इसी में लेमन भी ऐड करूँगा, द वे आई डिड इट बिफोर। लेमन ऐड करने के बाद साइड पर रख दें इसको एंड जस्ट लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट डाल दिया। अच्छा, मैंने कम से कम फ़िश को 5 मिनट के लिए मैरिनेट करना है, साथ साथ मैंने प्रॉन्स को भी छोड़ देना है तकरीबन 5 मिनट्स के लिए। जब तक ये 5 मिनट के लिए मैरिनेट होता है मैं थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा अगले स्टेप्स क्या है। अच्छा, जैसे ही आपने 5 मिनट गुजार लिए, साथ साथ आपने 2 गार्लिक के पीसेस लेने, सिर्फ और सिर्फ आप इसको इस तरह रखेंगे, इस तरह आप इसको ब्रेक कर लेंगे। आप कह रहे हैं ब्रेक क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज़ आई नीड टू थ्रो इन द ऑयल। इससे पता चल गया ऑयल भी गर्म है, वो फ्लोट कर रहा है और जो फ्लेवर है गार्लिक का वो ऑयल के अंदर आ जाएगा और फिर वो फ़िश में ट्रांसफ़र होगा। अब आपने करना क्या, सिंपल आपने सिर्फ स्टेशन को सिस्टमेटिकली प्रिपेयर करना है। अब मैं करूँगा क्या, मैं चॉपिंग बोर्ड को यूज़ करूँगा, फिर बाद में इसको वॉश कर देंगे हम। अच्छा, सबसे पहले आप इसको ऐड करेंगे फ्लावर के अंदर, ठीक है, टॉस करें। टॉस करने के बाद आपने सारों को इधर साइड पे रख देना है, ठीक है। तो हम ये आपके सामने स्टेप करेंगे। अच्छा, आपने कम से कम इसको फ्लावर में ऐड करने के बाद 30 सेकंड्स के लिए आपने इसको साइड पे छोड़ना है ताकि ये जितना भी आटा है वो सारा इसको पकड़ ले अच्छे से। अच्छा, आप देख सकते हैं गार्लिक हो चुका है, इस गार्लिक को निकाल के हम लोग साइड पे रेस्ट करेंगे, ठीक है। साथ साथ आपने इसको इसमें ऐड करना है, इसको फ्लावर में टॉस करेंगे और क्विकली एंड क्विकली मैं इसको इस तरीके से करता जाऊंगा। एक दफ़ा आपने सारे पीसेस कर लिए, आपने सिर्फ इसको उठाना है, पानी में डिप करना है और वापस से फ्लावर में ऐड करना है। अच्छा, इसको मैं इसी तरीके से करूँगा, आप ज़रा जूम इन करके ज़रा डिटेल शॉट चेक करें। आपने ये नहीं समझना कि सारा आटा निकल गया, आटा लगा हुआ है, आटे ने पकड़ना है अपने आप को, उसने पकड़ लिया। डबल डिप हम इसलिए कर रहे हैं, इससे फ़िश हो जाती है क्रिस्पी और आपको एक बड़ी ही मज़ेदार सी कोटिंग मिलती है। कभी आपने सोचा है कि एक बड़ा ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है आपको फ़िश की कोटिंग में, चिकन की कोटिंग में, वो क्या है? वो सारे स्पाइसेस है जो कि मैंने अभी ऐड किए हैं इस फ्लावर के अंदर। फ़िश के अंदर मसाला नहीं जाता, जाता है तो आपके बैटर में, और वो बेसिकली लोग कहते हैं जी सीक्रेट सॉस है, सीक्रेट मसाला है। कुछ सीक्रेट नहीं होता, सिखाएं और नया सीखें, आगे बढ़ें। जिन शेफ्स ने कहा ना कि हम नहीं सिखाएंगे, आई थिंक वो अपने ही नुकसान के पीछे पड़े हुए हैं। फ़िश हो गई, अब एक साथ आपने इसको ऐड करना है और आपने फ़िश को एक साइड 5 मिनट पकानी है और दूसरी साइड आपने 3 मिनट पकानी है। मैंने आपको कहा था बहुत ज़्यादा आपने रश नहीं करना इसके अंदर, मतलब ज़्यादा क्लटर नहीं करेंगे फ़िश को, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़नी है आपने इसके अंदर, तकरीबन आधा इंच, ताकि हर साइड को लगता रहे। साथ साथ हम आ जाते हैं प्रॉन्स पे, सेम फॉर द प्रॉन्स, प्रॉन्स को उठाएंगे क्योंकि छोटे हैं प्रॉन्स। एक साथ आपने 5-6 प्रॉन्स ऐड कर लिए, इसको शेक करेंगे आप, ठीक है, शेक द प्रॉन्स अप एंड मेक श्योर कि उनकी कोटिंग हो गई है। प्रॉन्स आपने एक ही दफ़ा करना है, उसकी वजह यह कि प्रॉन्स ऑलरेडी बहुत अंदर से मॉइस्चर वाले होते हैं तो इनने अपना जो बैटर है वो वैसे ही पकड़ लेना है। तो आप इसको इसमें ऐड करेंगे और आप इसको इस तरीके से बस शेक करते जाएंगे और तब तक शेक करेंगे जब तक इसके ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग नहीं लग जाती। रेस्ट करना है आपने इनको इधर, रेस्टिंग के अंदर जो भी एडिशनल आटा है वो निकल जाता है, ये आपने बात याद रखनी है, और फिर वापस आप इसको इसके अंदर टॉस कर देंगे। नाउ वंस दिस इज़ डन, लेट्स ऑल्सो फ्राई द प्रॉन्स, मगर जब फिश हो जाएगी फिर हम प्रॉन्स को करेंगे फ्राई।
जैसी फ़िश एक तरफ से ब्राउन हो जाएगी आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। याद रखिएगा ओवर कुक नहीं करनी, 5 मिनट एक साइड और तकरीबन 4 मिनट हम दूसरी साइड पर रखेंगे। कोयला है, कहीं हीट ज़्यादा होती है कहीं कम होती है, तो हमें काम करेंगे ज़रा इस वाले पीस को पीछे ले आएंगे और जहाँ हीट कम है इस वाले पीस को हम पीछे ले जाएंगे। ठीक है, शिफ्टिंग साथ साथ करते रहेंगे ताकि आपको एक बेस्ट टेक्सचर मिले आपकी फ़िश में। अच्छा, जब तक ये हो रहा है अब आपने करना कि आपने प्रॉन्स ऐड कर देने हैं। प्रॉन्स बड़े मज़े के हैं, ठीक है, एक एक करके ऐड करेंगे। ठीक है, ज़्यादा क्लटर नहीं करना आपने प्रॉन्स का। प्रॉन्स को आपने पकाना है तकरीबन 3 मिनट के लिए। जब तक ये सब कुछ फ्राई हो रहा है हम जाएंगे शॉर्ट ब्रेक पर। ब्रेक से आने के बाद हम आपको बताएंगे आपने अगली रेसिपी कैसे करनी है। डोंट गो एनीवेयर, यू आर वॉचिंग माई शो टेस्ट ऑफ द ओशन। वेलकम बैक, यू आर वॉचिंग टेस्ट ऑफ द ओशन। मैं आपका शेफ हूँ बासम आखुन। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी कर रहे हैं हम आज, और इसका अगला स्टेप ये है कि पहली रेसिपी की हमने इंग्रेडिएंट्स फ्राई कर लिए हैं, उसको हम यहाँ रहने देंगे। अब हम चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ। वी आर डूइंग फ्राइड पोटैटोज इन अ वेरी स्पाइसी वे। अब हमने करना क्या, सबसे पहले तो आपने पोटैटोज को उबलते हुए पानी में 3 मिनट छोड़ना है। पानी उबल रहा था, मैंने आपके सामने इसको पानी में रखा हुआ था, ठंडा हो गया। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे कुक करना। ठीक है, यू हैव टू ऐड द पोटैटोज फर्स्ट। एंड लेट द पोटेटोज फ्राई फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। जब तक ये फ्राई होते हैं हम थोड़ा सा क्लीन अप करते हैं, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताएंगे, बिकॉज वी हैव टू वेट टिल द टाइम द पोटेटोज फ्राई कम्प्लीटली। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको फ्राई किया। आफ्टर 10 मिनट्स नाउ वील डिश इट आउट। इसको साइड पे ले आते हैं यहाँ। अच्छा, जब भी आपने डिश आउट करना है आपने टिश्यू रखना है ताकि एक्सेस ऑयल हम इसका ड्रेन कर सकें। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको आप डिश आउट करेंगे। कलर जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर हल्का सा आया हुआ है डार्क, वो इसलिए बिकॉज मैंने इसको फ्राई किया है उस ऑयल में जिसमें मैंने फ़िश और प्रॉन्स फ्राई किए थे, उसकी वजह है बिकॉज दिस ऑयल हैज़ फ्लेवर। आपको पता है हर चीज़ जो कि प्रोटीन होती है, प्रोटीन का मतलब है फॉर एग्ज़ाम्पल सी फूड, फॉर एग्ज़ाम्पल बीफ, फॉर एग्ज़ाम्पल चिकन, इसका एक अपना फ़ैट भी होता है। जब वो फैट रिलीज़ होता है ऑयल के अंदर, उस ऑयल का और फ्लेवर अच्छा होता है। कभी आपने देखा होगा पेशावर साइड पे आप चपली कबाब खाते हैं, उसका तेल थोड़ा सा डार्क होता है, वो तेल नहीं होता, उन्हें चर्बी पिघलाई होती है और उस चर्बी के अंदर उसको फ्राई किया जाता है। ठीक है, दिस इज़ डन। अब मैं इसको यहीं छोड़ूंगा और साथ साथ अब हमने इसको हल्की देर के लिए थोड़ा सा इसको मिक्स करना है। ठीक है, जब तक ये अपना ऑयल ड्रेन कर रहा है हमें काम करेंगे, हम इसका एक स्पाइस मिक्स बनाएंगे। स्पाइस मिक्स के लिए आपको क्या चाहिए, थोड़ा इधर आ जाए। सबसे पहले आप लेंगे तकरीबन 1 टीस्पून चिकन पाउडर, उसके बाद आपने 1 चुटकी लाल मिर्च लेनी है, फिर आप लेंगे नमक तकरीबन 1/2 चाय का चम्मच, फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है धनिया पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, और फिर तकरीबन 1 चुटकी चिली फ्लेक्स। ये सब आप डाल लेंगे, फिर आप इसको 1 टेबलस्पून के साथ मिक्स करेंगे। इक्वली जब ये मिक्स हो जाएगा आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ इस टिश्यू को यहाँ से स्लिप कर लेना है उल्टा, और आप इसको साइड पे पार्क कर देंगे। ठीक है, अब आपने करना कि आपने सारा मसाला इसके ऊपर ऐड करना है, एंड देन यू स्टार्ट टॉसिंग इट। अब थोड़ी देर हम इसको रेस्ट करेंगे, अब हम जाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक पे, और जब ब्रेक से वापस आएंगे हम आपको इसका फाइनल डिश आउट बताएंगे। कहीं मत जाएगा, कीप वॉचिंग टेस्ट ऑफ द ओशन।
वेलकम बैक, यू आर वॉचिंग टेस्ट ऑफ द ओशन और मैं हूँ बासिम आखुंद। ब्रेक के दौरान मैंने सिर्फ ये किया कि फ्राइज़ बन चुके थे, बेसिकली फ्राइड पोटेटोज, उसको हमने मिक्स किया आपके सामने। फिश को मैंने यहाँ सेट किया, प्रॉन्स को मैंने यहाँ सेट किया। द होल डिश इज़ रेडी, टू रेसिपीज बेसिकली इन वन प्लेटर। आई होप यू लाइक टुडेज़ एपिसोड। बड़ा ही आसान था, सारी बात यह है कि टाइमिंग के साथ आपने सारी कुकिंग करनी है। अगर टाइमिंग के साथ करेंगे तो हर चीज़ परफेक्टली बनेगी। तो अब हम इसको ट्राई करेंगे। And I loved cooking for you guys today. Apna bahut khayal rakhiyega. Allah Hafiz.